हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशंस व्हिच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द की कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू यूज इन दिस क्वेश्चन। सो की कॉन्सेप्ट जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी अगर सॉल्वेंट है उसका कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होता है नॉर्मली। अब जैसे ही उसमें हमने सॉल्यूट डाल दिया तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो जैसे ही कोई नॉन वॉलेटाइल हम सॉल्यूट डालते हैं ना तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट जैसे ही कम हो जाता है तो उसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा टी एफ से, और जो डेल्टा टी एफ की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है आई दैट इज वेंट हॉफ फैक्टर इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी के। और के एफ क्या होता है, ये हमारे पास ये होता है ओनली फॉर सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट सेम है तो केएफ की वैल्यू भी सेम होगी, अगर सॉल्वेंट अलग है तो केएफ की वैल्यू अलग होगी। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर। अच्छा, हमें मोलैलिटी दे रखी है सारे सॉल्यूशंस की है 0.1 मोलर। ओके, विच वन विल एग्जिबिट लार्जेस्ट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज रखिए, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है हमारे पास जो केएफ है मतलब, या फिर जो सॉल्वेंट है वो किसका आएगा, वो आएगा वाटर का। तो ये हमारे पास आएगा वाटर का। तो के एफ हमारे पास जो यूज होगा वो वाटर का यूज होगा। इसका मतलब सब में के एफ की वैल्यू सेम होगी। सो लेट कर लेते हैं के एफ की वैल्यू भी के। तो अब हमें बताना है डेल्टा टी एफ किसका सबसे लार्जेस्ट होगा। सो डेल्टा टी एफ हमारे पास किसके इक्वल होता है, आई इंटू मोलैलिटी दे रखी है 0.1 इंटू के। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ जो है हमारे पास इक्वल आ रहा है आई इंटू 0.1 के। तो ये तो हमारे पास एक पूरी चीज कांस्टेंट हो गई, बिकॉज 0.1 एक कांस्टेंट नंबर है, के हमारे पास सबके लिए सेम है। तो जिसका भी आई ज्यादा होगा उसका हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो आई कैन क्लियरली से डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई मेरे पास आ जाएगा। तो जिसका वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। तो यही कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ग्लूकोज दे रखा है हमारे पास, और ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये पानी में जाके ब्रेक डाउन नहीं होता। तो यहाँ पे इसका जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो आई होगा, वाई आई होगा, सॉरी वन होगा। वाई बिकॉज ये हमारे पास क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये वाटर में जाने के बाद डिसोशिएट नहीं होता, मतलब ब्रेक डाउन नहीं होता फर्दर। तो यहाँ पे सेकंड हमारे पास है Al2SO4 दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट होल थ्राइस। तो यहाँ पे जो इसका आई है वो अगर हम कैलकुलेट करें, पहले इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो ये ब्रेक डाउन होता है 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 SO4 माइनस। तो यहाँ पे जो इसकी आई की वैल्यू है वो आ जाएगी 2 प्लस 3, क्योंकि आई किसके इक्वल होता है, यहाँ पे एन के इक्वल होगा। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 5। नाउ लेट्स कैलकुलेट ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे दे रखा है K2SO4 एंड देन KCl। तो K2SO4 दैट इज पोटेशियम सल्फेट को अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो वो आयनिक कंपाउंड है, तो वो ब्रेक डाउन होगा 2K+ SO4 2- में। यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो आ जाएगी 2+1 दैट इज इक्वल टू 3। देन फर्दर वी हैव KCl। तो KCl इज सिंपल अ सॉल्ट, इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो ये हो जाएगा K+ Cl-, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखते हैं किसमें आई की सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो आई की वैल्यू हम क्लियरली देख सकते हैं वो सबसे ज्यादा है Al2SO4। तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट कर ले इसको, ऑप्शन सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो बी का आएगा, देन उसके बाद आएगा हमारे पास सी का, देन यहाँ पे ये गलती से 1 लिख दिया तो यहाँ पे 2 आएगा, ये 1+1 इज इक्वल टू 2। देन वी हैव डी का, एंड देन सबसे छोटा जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो आएगा का। तो ये हमारे पास एक ओवरऑल ऑर्डर हमने कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ से हम देख सकते हैं मैक्सिमम किसका है, बी का। बी क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।